सुमन, माँ कैसी है? माँ जी, हाँ वो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी खांसी है। हाँ मैंने दवाई दिलवा दी थी, ठीक हो जाएंगी। ये लो बात करो। विक्रम बेटा, मेरे लाल, मेरे बच्चे, कैसा है तू? माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। माँ तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, मेरी चिंता मत कर। सुमन मेरा ख्याल रखने के लिए आ जाती है, पूरा दिन मेरे साथ ही रहती है। मेरे लाल अपना ख्याल रखना, तेरी बूढ़ी माँ हर पल तेरी चिंता करती है। चिंता मत करो माँ, मैं सुरक्षित हूँ और जीत हासिल करने के बाद मैं जल्द ही आपके पास लौटूंगा। एक माँ का आशीर्वाद है मेरे बेटे, तू धरती माँ की रक्षा में जरूर सफल रहेगा। जीता रहे मेरे बच्चे, जीता रहे। लाजवंती के पति चरण सिंह फौज की सेवा में शहीद हो गए थे, बेटा विक्रम भी देश की सेवा कर रहा है। विक्रम की माँ लाजवंती कुछ समय से बीमार है, पर विक्रम अभी घर नहीं आ सकता क्योंकि सीमा पर जंग छिड़ चुकी है और विक्रम उसी जंग में दुश्मनों को हराने की पूरी कोशिश कर रहा है। विक्रम फोन रख देता है पर उसका मन माँ के लिए थोड़ा उदास हो जाता है। तभी उसका दोस्त आशीष आ जाता है। क्या हुआ विक्रम, तेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए? पता नहीं आशीष, माँ से बात हुई थी अभी फोन पर, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। बस धरती माता के प्रति अपना फर्ज निभाते हुए मैं जंग जीत जाऊँ तो माँ के प्रति बेटे का फर्ज निभाने के लिए उनसे मिलने भी जाऊँगा। मन बहुत उदास हो रहा है यार। मैंने माँ को वादा किया है कि मैं अपनी पूरी ताकत और साहस के साथ अपने देश की सेवा करूँगा और जीत कर जल्द से जल्द माँ से मिलने आऊँगा। ऐसा ही होगा मेरे दोस्त, हम ये जंग जरूर जीतेंगे और दुश्मनों को धूल चटा देंगे। अगले दिन मेजर विक्रम और उसके साथी जंग के लिए तैयार थे। मेजर विक्रम ने निडरता से अपने सैनिकों का नेतृत्व किया और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ दुश्मन को पीछे धकेल दिया। दोनों तरफ से खूब बमबारी, गोलीबारी और बंदूकों का सामना हुआ, पर जीत भारतीय सेना की ही हुई। हे, जीत हमारी हुई। हमारी जीत हुई विक्रम, हमारी जीत हुई। आ यार गले लग जा। हाँ हम सब ने कर दिखाया, आखिर हमने दुश्मन सेना को पछाड़ दिया। सब बहुत खुश थे। एक लंबी और भीषण लड़ाई के बाद भारत विजयी हुआ। विक्रम और उसके साथियों ने खूब खुशियां मनाई, उन्होंने जंग जीत ली थी। अब बस इंतजार था विक्रम को अपनी माँ से मिलने का। मैं आ रहा हूँ माँ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। धरती माँ की सुरक्षा और सेवा के बाद विक्रम अपनी माँ से मिलने के लिए बहुत उत्साहित था। वो जल्दी से जल्दी अपने गाँव पहुँचना चाहता था। आशीष पता नहीं बार बार दिल बहुत धड़क रहा है, अब तो इंतजार भी नहीं हो रहा, अजीब सी बेचैनी हो रही है। तो काफी समय से नहीं मिला ना, इस वजह से ऐसा है। मैं तो बीच में छुट्टियों में हो आया था पर तुझे जाने का मौका नहीं मिला था। हो सकता है इसी वजह से तेरा थोड़ा दिल बेचैन हो रहा हो क्योंकि तू काफी समय से माँ से नहीं मिला है। विक्रम का दिल भावनाओं से धड़क रहा था, अपनी जीत पर गर्व और अपनी प्यारी माँ को देखने की उत्सुकता में बेचैन हो रहा था। कुछ घंटों बाद वो अपने गांव पहुंचता है, पर घर के दरवाजे पर भीड़ लगी देखकर वो चौंक जाता है। विक्रम तू आ गया बेटा। ताई जी आप रो क्यों रहे हो, क्या हुआ ताई जी? मेरा दिल घबरा रहा है, माँ कहाँ है? लाजवंती चली गई बेटा, लाजवंती चली गई। माँ, माँ कहाँ चली गई? माँ। तभी सुमन बाहर आ जाती है और विक्रम से लिपट कर रोने लगती है। विक्रम, विक्रम माँ हमें छोड़कर चली गई, चली गई। नहीं ये नहीं हो सकता माँ। जैसे ही विक्रम घर में दाखिल हुआ उसने देखा सामने उसकी माँ की तस्वीर सजी हुई थी जिस पर फूलों की माला पहनाई हुई थी। विक्रम के आंसू छलक उठे थे, उसकी प्यारी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। विक्रम अपनी माँ की तस्वीर को देख फूट फूट कर रोने लगा। माँ जब आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं आपके साथ न रह सका, इसके लिए मुझे माफ कर देना माँ। आपके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया मैं, माँ आपको देख भी नहीं पाया। सुमन माँ इतनी ज्यादा बीमार थी, तुमने तो कहा था कि उन्हें थोड़ी सी खांसी है, और माँ से भी मेरी बात हुई थी तब तो उन्होंने कहा था कि वो इतनी बीमार नहीं है। विक्रम माँ ने मुझे कसम दी थी कि मैं तुम्हें उनकी बीमारी की बात न बताऊं। उन्हें पता था कि अगर तुम उनकी बीमारी के बारे में सुनोगे तो तुम जंग में अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाओ, तुम्हारा मन माँ के लिए विचलित हो जाएगा, कहीं तुम्हारे कदम डगमगा न जाए, इसलिए माँ ने तुमसे सच छुपाया। तुम जानती हो सुमन, माँ के प्यार और आशीर्वाद ने युद्ध के मैदान में मेरे दृढ़ संकल्प को बढ़ाया। असली कुर्बानी तो माँ ने दी है, धरती माँ को बचाने के लिए माँ ने खुद को कुर्बान कर दिया।
सब लोग विक्रम और उसकी स्वर्गवासी माँ की बहुत तारीफ करते हैं और उन्हें बहुत सम्मान दिया जाता है। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से मैं मेजर विक्रम सिंह की माँ श्रीमती लाजवंती देवी को उनके बेटे की असाधारण बहादुरी और बलिदान के लिए ये पदक प्रदान करता हूँ। मेजर विक्रम सिंह, आपकी माता जी के द्वारा अपने देश के लिए कर्तव्य के प्रति समर्पण हमेशा याद किया जाएगा, जो सैनिकों और उनके परिवारों द्वारा किए गए बलिदानों की एक मार्मिक याद दिलाएगा। इसके पश्चात मेजर विक्रम अपनी माँ के प्यार और याद को दिल में लेकर देश की सेवा करते रहे। मेजर विक्रम सिंह चाहते तो छुट्टी लेकर अपनी माँ के पास जा सकते थे, पर उन्होंने देश के प्रति अपने कर्तव्य को पहले महत्व दिया और देश की रक्षा के लिए लगातार जंग में डटे रहे। उधर उनकी माँ ने भी अपने देश के प्रति कर्तव्य को निभाया और अपने बेटे को देश की रक्षा के लिए प्रेरित किया, और सम्मानित शब्दों में कहा जाए तो वे हंसते हंसते वीर गति को प्राप्त हुई। मेजर विक्रम सिंह के बलिदान की कहानी पूरे भारत में फैल गई, जिसने अनगिनत अन्य लोगों को निस्वार्थ और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित किया। उनकी यह कहानी भारत के उन बहादुर सैनिकों को विनम्र श्रद्धांजलि है जो अटूट समर्पण और बलिदान के साथ अपने देश की सेवा करते हैं। आइए हम उनके योगदान को हमेशा याद। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।